दोस्तों, हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं जो रेक्टेंगुलर जो जॉब आप देख रहे हैं या फिर जो रेक्टेंगुलर पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पिक्चर का एंडमिल से हम किस तरह से वर्क ऑफसेट लेते हैं ये देखेंगे हम इस वीडियो में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एंडमिल उल्टा लगाना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं इसकी जो कटिंग फ्लूट है ये हमने उल्टे लगाया है और शैंक को बाहर रखा है कुछ इस तरह से, ताकि हमारा ये जो ओडी का पोर्शन है ये हम जॉब के इस फेस को टच कर सके और हम इसका ऑफसेट ले सके। अभी हम इस कॉर्नर का ऑफसेट ले रहे हैं, यहाँ पे ये फेस और ये दूसरा फेस, मतलब ये कॉर्नर का हमें ऑफसेट मिल जाएगा वर्क ऑफसेट। तो किस तरह सेट करना है देखते हैं हम। अभी हमने स्लोली स्लोली टूल नीचे लाया है जो हम टच कर रहे हैं यहाँ पे पहले वाई एक्सिस में। अभी हम कागज डाल के क्लियरेंस गैप चेक करेंगे। जैसे ही ये कागज टाइट हो जाए हम पेपर निकाल लेंगे। ये डायमीटर 6 का हमारा एंडमिल है। अभी पेपर टाइट हो चुका है तो हम हमारा पेपर फट चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पूरा कॉन्टैक्ट हो चुका है। हमने अभी टूल ऊपर लिया है, डायमीटर 6 का टूल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम अभी पेपर के कॉन्टैक्ट से अभी फट चुका था, हमने टूल को ऊपर लिया हमारे एंडमिल को। और हमने क्या किया, अभी ये हमारा डायमीटर 6 का है, हम क्या करेंगे अभी मशीन के रिलेटिव में हम इसको वाई को पहले 0 करेंगे। तो हमने टूल को ऊपर लिया है, अभी हम वाई को 0 करेंगे मशीन के पैनल के ऊपर। तो चलो देखते हैं पहले पैनल के ऊपर। अभी पैनल के ऊपर वाई रिलेटिव में 12 mm है, हम इसे 0 करेंगे। यहाँ पे हमने 0 इनपुट किया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 3 mm शिफ्ट कर रहे हैं वाई में। अभी हमने 3 mm शिफ्ट किया है क्योंकि हमारा जो कटर है वो कटर का डायमीटर है 6 mm, तो उसका सेंटर निकालने के लिए उसका सेंटर हाफ होता है 3 mm। तो अभी हमने 3 mm शिफ्ट किया है ऊपर उठा के, मतलब हमारा कटरा भी एक वाई में सेंटर आ चुका है। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा कटरा भी सेंटर में है वाई को, मतलब हमें ये एज का सेंटर मिल चुका है वाई का। अभी हम वाई को इजी सेटिंग करेंगे। अभी वाई में हमने चेंज किया है ना, तो हमें अब हमको पहला हमारा ऑफसेट जो है वाई में सेव करना है। तो यहाँ पे मशीन पोजिशन है 506 और यहाँ पे दिख रहा है 511। अभी हम इजी सेटिंग करेंगे तो वाई हमारा 0 हो जाएगा। इजी सेटिंग करेंगे, अभी यहाँ पे हमारा वाई 0 हो चुका है, आप देख सकते हो। इस तरह से हमें अभी एक्स का निकालना है। अभी एक्स का ऑफसेट निकालने के हमने सेम वही प्रोसीजर किया है, शिफ्ट किया है। और शिफ्ट करके हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। अभी हम पूरा टच करेंगे कागज़ की हेल्प से, पूरा टच होने तक हम हैंडविल से घुमाते रहेंगे। और जैसे ही पेपर फट जाए तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे पूरा कॉन्टैक्ट हो चुका है। देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा कॉन्टैक्ट हो चुका है, पेपर फट चुका है। अभी हमने पेपर निकाला, अभी हम स्लोली स्लोली कटर ऊपर निकालेंगे और इसे भी हम 3 mm तक हम ट्रैवल करेंगे। सबसे पहले हम रिलेटिव में 0 करेंगे एक्स को। अभी यहाँ पर एक्स 1.11 है, तो अभी से पहले 0 करेंगे। अभी 3 mm ट्रैवल करेंगे हम एक्स में 3 mm। तो ये हम 3 mm आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 3 mm में आ चुके हैं अंदर हमारी एज के अंदर। मतलब अभी ये जो हमारा कटर है 6 का है, हमने 3 mm हाफ ट्रैवल किया है। तो मतलब क्या हुआ है कि अभी हमारा कटर का सेंटर इस एज पे आ चुका है। ये जो एज है इस एज पे आ चुका है। पहले हमने वाई का सेंटर लिया, अभी एक्स का सेंटर लिया। अभी एक्स पे हमें सेंटर को आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे हम इजी सेटिंग करेंगे, उसका ऑफसेट ले लेंगे एक्स में। अभी यहाँ पे एक्स में 688 है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मशीन पोजीशन 609। हम इसे इजी सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे उसका ऑफसेट सेव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं इजी सेटिंग करूँगा, यहाँ पे देखो 690 आ चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ऑफसेट सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम एंडमिल की मदद से हमारा एक्स का ऑफसेट और वाई का ऑफसेट कॉर्नर को ले सकते हैं। इस तरह से हम कॉर्नर को ऑफसेट लेकर सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हमारे दोस्त हैं VMCNC स्टडी करने वाले उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।